इस उपाय से एक व्यक्ति को 7 दिनों में 7 करोड़ का लाभ हुआ। तो मित्रों कौन सी ऐसे उपाय हैं, वो उपाय मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो के माध्यम से बताने की प्रयास करूंगा। और लालच नहीं करना, यह उपाय जब भी आप करेंगे गुप्त रखना, किसी को बताना मत। उपाय या जो टोटके होते हैं, जो सरल तरीके होते हैं, तभी अपना प्रभाव दिखाता है जब इसे गुप्त रखा जाए। जितना ज्यादा आप गुप्त रखते हैं उतना ज्यादा ये अपने प्रभाव दिखाता है। तो मित्रों सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को जो उपाय बताऊंगा वो बताऊंगा हम देवी देवताओं को जो पान फूल चढ़ाते हैं, ये देवी देवताओं के प्रसाद होते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, चावल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, इसे जल में विसर्जित कर देते हैं। देवी देवताओं को चढ़ाने के बाद इसे जल में विसर्जित कर देते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये देवी देवताओं को हम जो बेलपत्र चावल चढ़ाती है उनका प्रसाद होता है, उनका आशीर्वाद होता है। इसलिए बेलपत्र होता है, कोई भी देवी देवताओं को चढ़ाते तो इसे अपने पर्स में, गले में, तिजोरी में अवश्य रखना चाहिए। इससे हमारे घर में धन आवक होता है, धन आता है। चावल जो होता है इसे अक्षत माना जाता है। इसे घर के अन्न भंडार पर डालने से मात्र केवल 2 दाने देवी देवताओं को चढ़ाए हैं, वह अक्षत हुआ चावल घर के अन्न भंडार में डाल देना, बिल्कुल ही थोड़ी सी मात्रा में खाने के बाद आपके पेट भर जाएंगे। यानी कि अन्न का तृप्ति कराने का काम करते हैं, हमारे घर में अन्न बढ़ाने का काम करते हैं। लाखों लोग खा लेंगे फिर भी आपके घर में अन्न की कमी नहीं होगा। इस प्रकार की जो जानकारी होती है बहुत ही अमूल्य होते हैं, सदैव यह प्रयोग अवश्य करना। जिसके बाद हम देवी देवताओं को फूल चढ़ाते हैं, तो सदैव पर्स में जो देवी देवताओं को फूल चढ़ाते हैं इसे रखना चाहिए। ये देवी देवताओं के आशीर्वाद होते हैं। बहुत से लोग जो सफेद धागे या फिर मौली धागे देवी देवताओं को चढ़ाते हैं, तो इसे जो रक्षा सूत्र समझ करके हमें जो है पहनना चाहिए। जब तक ये धागे हमारे हाथ में बंधे रहते हैं तब तक हमें किसी भी प्रकार की दुर्घटना नहीं होता, हमारे शरीर का बंधन होता है। आइए मैं आप लोगों को उपाय बताने की प्रयास करूंगा, जिस उपाय से आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी। और आपकी ये कर्म के ऊपर निर्भर करता है, आपकी छवि साफ है, आप अच्छे नेक इंसान है, तो हो सकता है 7 करोड़ के स्थान पर आपको 14 करोड़ भी मिल जाए या फिर 14 रुपए ही आपको प्राप्त हो। तो ये कर्म के ऊपर भी निर्भर करता है। जानकारी बताने से पहले सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों यारों में शेयर कीजिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यह जानकारी कैसा लगे हमें वीडियो के आखिरी में कॉमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताना। तो आपको करना क्या मित्रों, बरगद वृक्ष के नीचे में शाम के समय में शुक्रवार के दिन जाना है या फिर किसी भी अच्छे शुभ तिथि चुन लेना। तो बरगद वृक्ष के नीचे में शाम के समय में शुक्रवार के दिन जाना है और 1 रुपए का सिक्का लेकर के अपने हाथ में 1 रुपए का सिक्का लेना है और शुक्रवार के दिन शाम के समय में जाकर के घी का दीपक जलाना है और बरगद वृक्ष से प्रार्थना करना है कि हे बरगद वृक्ष एवं इनमें रहने वाले शक्तियां, इनमें रहने वाले दिव्य शक्तियां, मैं आपको प्रणाम करता हूं और आपको आपकी माँ की सौगंध दिलाता हूं। अगर आप सत्य हैं, आप मेरी सौगंध की मान रखते हैं, यहाँ पे आप निवास करते हैं, तो यह 1 रुपए 1 करोड़ रुपए में बदल करके दिखा दीजिए। फिर 1 रुपए यह जानकारी के लिए यह बोल देना कि 1 रुपए 1000 रुपए में करके दिखा दीजिए, तब मैं आपको जानू आपको आपकी माँ की सौगंध है। बस इतना सौगंध दिला देना, सारी दुनिया श्राप वरदान और सौगंध पर चलता है, बस इतना कर देना। मित्रों किसी न किसी माध्यम से जो बरगद वृक्ष में रहने वाले दिव्य शक्तियां हैं आपकी मदद करेंगे। बस आपको यह प्रयोग तभी करना है जब आपको इमरजेंसी पैसों की जरूरत पड़ जाए, सभी मार्ग से पैसा आना बंद हो चुके हैं, आप जिंदगी से हताश बैठ चुके हैं, तब ये उपाय करना, आपको 100% लाभ मिलेंगे, इसमें हम गारंटी देते हैं। लालचवश करेंगे तब ये आपको फायदा नहीं मिलेंगे। जब कर्जे के भार से परेशान हैं, सभी ने आपके हेल्प करना बंद कर दिए, तब ये उपाय करना। तो ये थे छोटी सी जानकारी दर्शकों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।